देखिए, एमजी रोड सुल्तानपुर में रसोई ऑन व्हील्स फाउंडेशन और अमोलिया ने नेत्रहीन गायकों द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिससे कार्यक्रम में नेत्रहीन गायकों ने फिल्मी गाने गाकर जमकर धूम मचाया और चीफ गेस्ट के रूप में आए कई लोगों महिलाओं का मन मोह लिया। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में कई ऐसे स्टॉल लगाए गए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत भी देखने को मिली। वहीं आपको बताते चले कि कई सालों से रसोई ऑन व्हील्स फाउंडेशन गरीबों बेसहारों की मदद करती आ रही है। कोरोना महामारी में लोगों को खाना देना, राशन देना आदि ऐसे कार्य रसोई ऑन व्हील्स फाउंडेशन द्वारा देखने को मिले। वहीं आपको बताते चले कि नेत्रहीन गायकों के गानों पर सभी महिलाएं जमकर झूमती दिखाई दी। आप खुद देख सकते हैं कि नेत्रहीन गायकों के गाने सुनकर सभी लोग और महिलाएं किस तरह से झूमती और गाना गाती दिख रही हैं। वहीं जब हमारी टीम ने मनिका बदवार से बातचीत की तो क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। संदेश ये है कि कोई भी किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है अगर उनका दिल चाहे तो, कुछ भी उनको रोक नहीं सकता। यही संदेश है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, और यहाँ तो हम लोगों को दिख ही रहा है वो संदेश सामने कि ये लोग कितना अच्छा गाते हैं। तो ऐसे कितने और लोग होंगे, सब आपस में जुड़िए। अगर आपको नहीं भी दिख रहा है, एक ताकत है और वो हमेशा रहेगी, हाथ पे भगवान का सहारा, उसके सहारे चलते जाइए और बढ़ते जाइए। ये इनको और आगे बढ़ाने की योजना रहेगी। आज जैसे आप देख रहे हैं, एक ये हमारे दिव्यांग लोग हैं और एक हमारी यहाँ पर आशा का स्टॉल है, कैंडल्स और दियास का, जो कोविड विडोज़ का लगा है, तो इनको भी बढ़ावा देना है। रसोई ऑन व्हील्स फाउंडेशन खाना करता है, लेकिन मेरा मानना है हर एक की हेल्प करनी चाहिए। उद्देश्य ये है, चलते जाइए, बढ़ते जाइए, सबकी मदद करते जाइए। अपील ये है कि आगे बढ़ें, आए, इनसे इनको सुना है, इनको और यूज़ कीजिए, इनको अपने कार्यक्रम में बुलाइए। ये लोग बहुत केपेबल हैं और आज आपने देख लिया है कि ये वाकई में बहुत केपेबल हैं, ये बहुत कर सकते हैं। प्लीज़ इनको और मोटिवेट कीजिए, ये देख नहीं सकते लेकिन ये आपकी सारी प्रेजेंस फील कर सकते हैं। संदेश तो मैं यही दूंगी कि ऐसे जो गिफ्टेड लोग हैं और दिव्यांग, जैसे आपने बोला कि दिव्यांग हैं, और जिन्होंने इतनी तपस्या की है अपने जो टैलेंट को बढ़ाने के लिए और यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं तो बहुत चकित रह गई कि कितना कितने खूबसूरती से उन्होंने गाया। और ये बैंड एक तरह से SRA बैंड एक तरह से बड़ा प्रोफेशनल बैंड है, तो मैं एक तो बहुत गर्व हुआ मुझे, और मैं चाहती थी कि एक संदेश दें सबको कि ऐसे टैलेंट को सपोर्ट किया जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए और हर तरह से उनकी जो मदद की जाए, तो ये हमारा संदेश होगा। और सबसे, जैसे मैं कहती हूँ कि उनका सशक्तिकरण, दया नहीं लेकिन सशक्तिकरण करके है हम उनको मदद कर सकते हैं। दिल्ली से BCN न्यूज़ के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।